देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने 18 सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। चुनाव आयोग 4 ट्रेनों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करेगा। ओडिशा में संबित पात्रा ने पूरी लोकसभा सीट से भरा नामांकन। बेंगलुरु में फिल्म रानम की सेट पर लगी आग, दो की मौत, कई घायल। कांग्रेस का मोदी पर बार का हाथ, मोदी गरीब विरोधी है। मनरेगा में अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी हुई। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत की पाकिस्तान को खरी खोटी, विवाद सुलझाए बिना कोई वार्ता नहीं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। घाटे में चल रहा जेट एयरवेज नहीं चुका पाया HSBC बैंक का बकाया। नीरव मोदी केस की जांच करने वाले अधिकारी का ईडी ने ट्रांसफर किया। CBDT का आदेश, अपंजीकृत की गई 3 लाख कंपनियों की जांच होगी। हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।